सिनेमा के कलाकार राकेश मिश्रा के गाने सोशल मीडिया पर हमेशा खूब सुने जाते हैं। उनके कई सारे वीडियो सॉन्ग पर लोगों की सराहनीय प्रतिक्रिया भी मिली है, लेकिन कई बार उनके गानों की जमकर आलोचना भी की गई। हालांकि उनकी आवाज़ अच्छी है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन आवाज़ के जरिए सिर्फ अच्छे गाने ही पसंद किए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से राकेश का गाना भी कम हो गया है, लेकिन राकेश के इस साल की पहली फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसका नाम है स्पेशल एनकाउंटर, जिसमें राकेश मिश्रा के साथ रितु सिंह, सीमा सिंह, देव सिंह, अनु परोला नजर आएंगे। इस फिल्म के गानों को खूब प्यार मिल रहा है, जिसने आवाज जो दी है इंडस्ट्री के बेस्ट सिंगरों ने, जिनमें खुद राकेश मिश्रा, आलोक कुमार, इंदु सोनाली, खुशबू जैन, पामिला जैन और नीतू श्री शामिल हैं। इस फिल्म के राइटर हैं रमेश गुप्ता, प्रोड्यूसर हैं गणेश गुप्ता और डायरेक्टर हैं अरुण राव। अगर रही बात फिल्म के कहानी की, तो नाम से ही पता चलता है स्पेशल एनकाउंटर यानी पुलिस, थाने, कोर्ट और कचहरी से जुड़ी कहानी होगी। तो कुछ ऐसे ही कहानी भी है, जिसमें देव सिंह हमेशा की तरह विलन के किरदार में नजर तो आए हैं, लेकिन अब तक के सबसे अलग लुक में। जी हाँ, देव सिंह एक पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसकी वेशभूषा सिर्फ पंडितों वाली है, लेकिन काम सारे गलत। और एक ध्वस्त पंडित के साम्राज्य को खत्म करने पर ही पूरी कहानी बुनी गई है। इस फिल्म में राकेश मिश्रा एक कैदी हैं, लेकिन उनको पुलिस बना दिया जाता है गुंडे का अंत करने के लिए। इस दौरान राकेश कई बार हीरोइनों के साथ, कभी मणि के साथ तो कभी नई हीरोइनों के साथ रोमांटिक गाने पर परफॉर्मेंस करते भी नजर आएंगे। तो वहीं रितु सिंह भी इस फिल्म में पहली बार एक्शन करती नजर आ रही है। रितु सिंह के जोड़ीदार इस फिल्म में राकेश मिश्रा नहीं बल्कि कोई नए हीरो है। जी हाँ, लेकिन रितु सिंह, अरुण सिंह और राकेश की कलाकारी की तारीफ खूब हो रही है। ट्रेलर देखने के बाद किसी को राकेश की आवाज में गाना पसंद आया है, तो किसी को देव सिंह की एक्टिंग, तो किसी को रितु सिंह का डांस बेहद पसंद आया है। वेल, ये ट्रेलर रिलीज हुआ है वेब म्यूजिक पर, जिसे सिर्फ 5 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोगों ने देख लिया है, और जितने भी लोगों ने देखा है फिल्म की तारीफ भी की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिए स्पेशल एनकाउंटर। कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। नेक्स्ट टू 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।